टॉप 10 में जगह बनाने के लिए जारी है जबरदस्त मुकाबला जजेस की कसौटी पर। एब्सोल्युटली हमारी जो अगली कंटेस्टेंट है ना बहुत सीरियस लग रही है, ऐसा क्यों आइए जानते हैं। सोहिनी आप इतना अच्छा गाती हो, आज क्या हो गया? बहुत एक्सपेक्टेशन थी आपसे, आप मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा गा सकती हो इससे। मुझे बहुत सारी जगह पे आपका सुर कम लगा। आई फील सैड। सोहिनी काफी मुश्किल गाना अटेम्प्ट किया आपने और ठीक ठाक निभाया, आप और अच्छा गा सकती हैं और बिलीव मी वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। आप बहुत बहुत ही अच्छी फाइंड है हमारी। कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है और यहाँ से लेकर वहाँ तक का सफ़र तभी पूरा किया जा सकता है जब आप सच में कुछ कमाल कर दिखाएं। ओके थैंक यू। तुम चाहती तो तुम एक बहुत यू नो सीधा साधा गाना गा सकती थी, लेकिन तुमने क्या पकड़ा है, इतना आड़ा गाना पकड़ा है, कुछ हरकत तो तुमने इतनी जबरदस्त ली है, मैं हैरान हो गया। थैंक यू सर। मैं समझता हूँ तुम हकदार हो इस मंच पर आने के लिए। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो गाना चुना वो बहुत सुंदर और मुश्किल गाना चुना, लेकिन आपने जो नीचे का वो खर्च लगाया ना दानना, ये सुर लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर तो आदमी जोर लगा के गा देता है लेकिन वहाँ जोर नहीं लगा सकता, वो अपने आप आता है। तो आपने बहुत सुंदर गाया और मुझे ऐसा कोई ख़ास वो लगा नहीं कि आप कहीं बहुत बेसुरी हुई। 10 बार रिकॉर्डिंग में सही गाते हैं लोग, आप तो पहली बार में सही गा गई और वो भी लता मंगेशकर का गाना। मैं बहुत खुश हूँ आपसे। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.